हे गाइस, वेलकम टू देसी किचन टेल्स। आज हम बना रहे हैं एग मसाला करी, जो कि बहुत ही यम्मी और डिलीशियस रेसिपी है। इसे बनाने के लिए पहले हमको बनाना है ये मसाला पेस्ट। हमको इसको अच्छे से पीस लेना है और इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है। फिर इसके बाद हमको लेना है 4 अंडे। हमें इस अंडों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। हमने यहाँ पे ली है कढ़ाई, उसमें डाला है तेल और हम यहाँ पे अंडों को फ्राई कर रहे हैं। अच्छे से हमको गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। फिर सेम ही कढ़ाई में मैंने जीरा डाला है और इसी में जो मसाला पेस्ट है उसको डाल के अच्छे से पकने दिया है। अब हम डालेंगे इसमें अपने सूखे मसाले, जो कि है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और तीखी वाली लाल मिर्च। अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद उसको हम ढक देंगे और इसको धीमी आंच पर पकने देंगे। थोड़ी देर में हम इसको फिर से देखेंगे। मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट। पेस्ट को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको फिर से ढक देंगे ताकि टमाटर हमारे पक जाएं। हम इसको अब देखिए खोल रहे हैं 10 मिनट बाद और देखिए कितना अच्छे से टमाटर पक गया है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और कसूरी मेथी और इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अंडे और इसको अच्छे से ढक कर पकने देंगे। हमारा एक मसाला करी रेडी है। ग्रेवी है जो है वो गाढ़ी हो चुकी है और हम इसको अब अच्छे से सर्व करेंगे रोटी या चावल के साथ।